व्यापार मंडल मंडी की ओर से बिपाशा सदन मंडी में आयोजित अभिनंदन समारोह की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि मंडी शहर को ADB परियोजना के अंतर्गत पर्यटकों के लिए मंडी को शिवधाम पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि शिवधाम मंडी के नजदीक कांगड़ीधार के पास इसे विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि व्यापारी वर्ग समाज में न केवल आर्थिक गतिविधियों का केंद्र है बल्कि समाज निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। उन्होंने कहा कि अधिकतर टैक्स व्यापारियों से लिया जाता है जिससे राष्ट्र के निर्माण व विकास में लगाया जाता है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री ने कॉर्पोरेट टैक्स को कम करके ऐतिहासिक फैसला दिया है जिससे देश की शेयर मार्केट में भी उछाल आया था। मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार की पहल से राज्य में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर मीट को सफल बनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि ये सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीतिक दूरदर्शिता, सशक्त और योग्य नेतृत्व के कारण ही संभव हो पा रहा है। प्रदेश के मौजूदा पर्यटन स्थलों से पर्यटकों के दबाव को कम करने के लिए अब राज्य सरकार ने अछुए पर्यटक स्थलों को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने का निर्णय भी लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांगड़ीधार में आने वाले समय में एक विश्व स्तरीय हेलीपोर्ट होगा। उन्होंने कहा कि विशेषज्ञों से विचार विमर्श के बाद मंडी शहर में व्यास नदी के साथ एक कृत्रिम झील का भी निर्माण करने का प्रयास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंडी शहर में पर्यटकों तथा स्थानीय लोगों की सुविधा के लिए एक बहुमंजिला पार्किंग का निर्माण किया जाए, साथ ही मंडी शहर की भीड़ को कम करने का प्रयास भी किया जाएगा और मंडी शहर के लोगों की सुविधा के लिए आधुनिक ऑडिटोरियम का निर्माण भी किया जाएगा। विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में पंजाब की धूरी शहर के श्रद्धालुओं की एक अद्भुत यात्रा देखने को मिली। पंजाब के धूरी से श्रद्धालुओं का एक जत्था लगभग 180 किलोमीटर का सफर पेट के बल पूरा करके 3 दिन के बाद मंदिर पहुंचा है। हालांकि ये श्रद्धालु हर वर्ष श्राद्ध पक्ष में दंडवत यात्रा करते हुए माता श्री नैना देवी के दरबार पहुंचते थे और इन श्रद्धालुओं का कहना है कि ये यात्रा पंडित सोहन लाल की प्रेरणा के द्वारा हर वर्ष की जाती है जिसमें वृद्ध, युवा और बच्चे हर प्रकार के श्रद्धालु शामिल हैं। इस यात्रा के दौरान यात्रियों का कहना था कि ये उनकी 20वीं यात्रा है और पंजाब के धूरी से हर वर्ष 186 किलोमीटर का सफर पेट के बल तय कर वे माता श्री नैना देवी के दरबार में पहुंचते हैं। हालांकि कुछ श्रद्धालुओं के पैरों में छाले पड़ गए थे और पैरों पर पट्टियां भी बंधी थी, फिर भी श्रद्धालुओं के माथे पर थकान की कोई भी लकीर देखने को नहीं मिली। हर वर्ष पितृ पक्ष में ये यात्रा करते हैं ताकि माता रानी की कृपा से उन पर बनी रहे और उनके पितर भी प्रसन्न रहें। उनका कहना है कि माता रानी ही इस तरह की कठिन यात्राओं को करने की प्रेरणा देती है और आगे भी यात्रा जारी रहेगी। हिमाचल निर्माता के नाम पर बने जिला सिरमौर के करगण पंचायत के यशवंत नगर में स्वच्छता अभियान की धज्जियां उड़ती देखी जा सकती हैं। आपको बता दें कि यशवंत नगर सिरमौर के कई पंचायतों के लोगों के लिए खरीदारी करने के लिए एक मुख्य बाजार माना जाता है। ऐसे में यहां रोजाना सैकड़ों लोगों का आना जाना लगा रहता है। बावजूद इसके यहां बाजार में चारों ओर गंदगी का आलम है। इतना ही नहीं, यहां पेयजल की पाइपें भी गंदी नालियों से होकर गुजरती हैं, जिसके चलते लोगों की सेहत के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। ऐसे में स्थानीय दुकानदारों ने मांग की है कि जल्द से जल्द यशवंत नगर में पक्की ड्रेनेज बनाई जाए और यहां एक सफाई कर्मी को नियुक्त किया जाए। स्थानीय दुकानदार पुष्पा अग्रवाल ने बताया कि उनकी दुकान के आगे नालियों में हमेशा गंदगी रहती है क्योंकि यहां पक्की ड्रेनेज नहीं बनाई गई है।
जिसकी बदबू की तरह हमारे ग्राहक दुकानों में आने से कतराते हैं। वहीं अमित कुमार का कहना है कि उनके बाजार में इतनी गंदगी रहती है कि जिसके कारण उनके व्यवसाय पर इसका विपरीत असर हो रहा है। उन्होंने कहा कि हम मांग करते हैं कि यहाँ पक्की ड्रेनेज बनाई जाए और एक सफाई कर्मी की यहाँ नियुक्ति की जाए।